क्या जोड़ने को रह गया भारत को। नेता जी आजकल यात्रा पर निकले, उसकी वजह क्या है? ये ब्रह्मस्त्र उनके लिए होगा, लेकिन उनसे मैं इस बात को पूछता हूँ, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। ऊपर हम चर्चा के लिए कभी नहीं भागे, और वो तो पूरे देश से भागे हुए हैं कांग्रेस के लोग। जवाब देते नहीं बनता है उनसे, जो मुद्दे उनकी सरकारों के खिलाफ हैं, जो पुराने जो आज समाप्त नहीं हुए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। पर आज मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आखिरकार जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रिय नेता जी आजकल यात्रा पर निकले, उसकी वजह क्या है? क्या आपने योजनाबद्ध तरीके से उनको भेजा है, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि उनके आने से और ज़्यादा नुकसान होगा? हमारी पार्टी में बड़ी स्पष्ट मान्यता है, परिवारवाद को बढ़ावा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, एक परिवार से एक सदस्य राजनीति में है तो वहाँ तक बात ठीक है, या तो पूरा खानदान राजनीति में है। सर जी, कांग्रेस पार्टी OPS को ब्रह्मास्त्र मानकर चली है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ब्रह्मास्त्र उनके लिए होगा, लेकिन उनसे मैं इस बात को पूछता हूँ, कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है। पहले इस बात को स्पष्ट करें कि OPS ख़त्म किसने किया था। 2003 में वीरभद्र सिंह जी, जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने OPS ख़त्म किया था, NPS लागू किया था, और 2012 में फिर से वो मुख्यमंत्री बने थे। अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता कि इसमें कोई ठीक करने की ज़रूरत है, तो 2012 में ठीक करते हैं।